बेटा मधु, कल सुबह जल्दी आ जाना। क्यों चाचा? कल मालकिन का जन्मदिन है ना। अच्छा। हाँ मधु, कल मैं कहाँ चली जाऊंगी, तो मेरी पसंद की चूड़ियां लाकर दोगे ना? ठीक है। आई एम सॉरी ड्राइवर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कम आंख के देख रहा था। यू आर रियली इंटेलिजेंट, जो हुआ उसे भूल जाओ, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए। सर आप बड़े हैं। दोस्ती में छोटा बड़ा क्या होता है, कम ऑन कम ऑन। अच्छा क्या है ये? वो कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं, दिखाओ ना मुझे, दिखाओ। आज मालकिन का जन्मदिन है ना सर। मालकिन को देसी चूड़ियाँ पसंद है, ये तुम्हें कैसे पता? वो महिलाओं को चूड़ियाँ तो पसंद होती है ना। गुड, वैसे ये देकर मालकिन से क्या कहोगे? और क्या कहूँगा, जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा बस। नो, गौरी के पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं और वो सबके सब पढ़े लिखे हैं, हिंदी में बोलने से अच्छा है इंग्लिश में बोलना। मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। तुम्हें नहीं आती तो क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त को तो आती है ना। आई वॉन्ट टू बी योर हबी, ऐसा कहो। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये है कि तुम 100 साल खुशी के साथ जियो। यही मैं भी बोलने वाला था, एक बार और बताइए। आई वॉन्ट टू बी योर हबी। आई वॉन्ट टू बी योर हबी। योर हबी, आई वॉन्ट टू बी योर हबी। करेक्ट, ऐसे ही कहना। ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट टू बी योर हबी। I want to be your hubby. हे, आज तो ये गया काम से। ओके, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। I want to be your hubby. वाकई बहुत अच्छा है। I want to ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। कितना अच्छा है ना? हाँ। I want to be your hubby. What? I want to be your hubby. क्यों समझी नहीं क्या? तेरा ड्राइवर तेरा पति बनना चाहता है। अच्छा है ना, जब चाहे जहां जा सकती है। Stop it! बदतमीज कहीं के? मेरे घर के नौकर होकर मुझसे शादी करना चाहते हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत? Get out of here! Out! क्या हुआ, इंसल्ट हो गई क्या? मालकिन ने मारा क्या? हे क्या हुआ, चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हे बताना, तू नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दर्द कितना हो रहा है? थोड़ा दर्द हो रहा है या बहुत दर्द हो रहा है? अभी तुम्हें जितना दर्द हो रहा है ना, उससे 100 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। ए, हाउ डेयर यू गौरी। तुम जाओ बेटा। ये क्या माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इसने आनंद पर हाथ उठाया है और आप मुझे रोक रही हैं? ये हमारा लगता क्या है बताइए? बेटा तुम जाओ, तुम चलो मेरे साथ। शंकर काका। हाँ छोटी मालकिन। मधु अब तक नहीं आया? अभी तो नहीं आया वो। क्यों? वो काम छोड़कर चला गया ना बेटी।
भैया क्या है? उस दीदी ने दिया है। मैंने गलती की है, लेकिन वो सब अनजाने में हो गया, और जो अनजाने में होता है वो गलती नहीं होती, उसे माफ किया जा सकता है ना। आपके बचपन की गौरी। सुनिए, मैं कार में छोड़ देती हूँ। रहने दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए ना। रहने दीजिए। कम से कम छाता तो ले लीजिए। रहने दीजिए। ले लीजिए ना प्लीज। गौरी, उन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की थी, ये बात सच है, और उसके लिए मैं उन लोगों को 100 गुना ज्यादा देने को तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा लूँ। उन लोगों ने जो पैसे दिए थे वो आप लौटा देंगे, पर उन्हें जो जुबान आपने दी थी उसका क्या? आप मुकर सकते हैं, पर आपकी बेटी होने के नाते मैं नहीं कर सकती। गौरी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये समझो, तुम्हारा फैसला गलत है। नहीं पापा, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब करोड़पति के बदले तुम एक भिखारी से शादी करना चाहोगी? यस। अगर चप्पल सोने की भी बनी हो तो उसे पैरों में ही पहना जाता है, पर पत्थर से बने हुए भगवान के आगे हम सिर झुकाते हैं। मेरी नजर में तो मधु भगवान है, और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। पापा, मैं आपके आशीर्वाद से सारे गाँव वालों के सामने उनसे शादी करना चाहती हूँ। हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें किसी रजिस्ट्रार ऑफिस या मंदिर में जाना पड़े, प्लीज। शी इज राइट अंकल, गौरी का फैसला बिल्कुल सही है। व्हाट आर यू टॉकिंग, उसने तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठाया था। उसने हाथ उठाया है, लेकिन मुझ पर नहीं अंकल, मेरे ईगो पर। वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने ही उसे कहा था आई वॉन्ट टू बी योर हबीब कहने के लिए। हाँ गौरी, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो बता दिया होता तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार है कभी नहीं जान पाता। आनंद, मुझे सब पता है अंकल, वो बचपन से ही गौरी को प्यार करता आया है, उसका दिल बच्चे की तरह साफ है, और वो बहुत मासूम भी है। एक बात मैं सच सच बताऊं, उसके अंदर जो सिंसियरिटी है वो मेरे अंदर नहीं है, वही तुम्हारे लिए सही पति है। ऑल द बेस्ट गौरी।